अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं। आज मैं लेके आई हूँ कुछ एक्सटेंशन जो आपको लोगों को मैंने दिखानी है, और ये आप देख सकते हैं इन सब की प्राइस और इन्हें यूज़ करने का बेस्ट तरीका आज मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो है डिफरेंट तरह की है मेरे पास, और ये जो है आप देख सकते हैं ये जो है स्टिकिंग में है मेरे पास। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं करीब से, और ये डिफरेंट नेम से आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। इन्हें यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है मेरे पास एक एक्सटेंशन जो हाफ साल में हम यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, और ये कर्ली बालों के लिए काफ़ी अच्छी है जिनके बाल जो हैं वो। सो व्यूअर्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं एक जो है मेरे पास स्ट्रेट बालों की एक्सटेंशन है, और दूसरी जो है मेरे पास है स्टिकिंग वाले जो बाल होते हैं उनके लिए, और तीसरी जो है मेरे पास है जी, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी चेक करवाती हूँ किस तरह की है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हाफ साल की है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इन सब की प्राइस और इन्हें यूज़ करने का तरीका। ये एक नेट में है, और इसे जो है आप इस तरीके से जो है नेट से बाहर निकालेंगे, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, और इसे यूज़ करने का भी इंशाल्लाह सारा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी लेंथ में है, और ये जो है कर्ली बालों पर आप काफ़ी अच्छा लुक नज़र आ सकता है। इसे आपको मैं दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, और इसे यूज़ करने का भी मुकम्मल तरीका बताऊँगी नेक्स्ट जो मेरे पास है उसे चेक करवा देती हूँ किस तरह की है वो। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की है अंदर से, और इस तरीके से इसे खोलना है, और इसे यूज़ करने का बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भी नेट में है, ये आप देख सकते हैं, ये भी खोलने पर जो है इस तरीके से, और इसे खोलने का तरीका ये है जी, ये इस तरह की है कुछ टिकटॉक जो हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से जो है इन्हें खोलना है, और इस तरीके से ये बंद हो जाती हैं, इस तरीके से इसे खोलना है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है कुछ इस तरीके से, मैं आपको करीब से चेक करवा रही हूँ और इसे यूज़ करने का मुकम्मल तरीका। और ये जो है आप देख सकते हैं हाफ साल के लिए है, और ये देखें इस तरीके से इसे खोलने के बाद, खोलने के बाद कुछ इस तरह की लुक नज़र आती है। और स्टिकिंग वाले जो बाल होते हैं, अगर आप कर्ली बाल चाहते हैं जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है इस तरह की एक्सटेंशन, विक्स भी इसे जो है यूज़ होती हैं इसी तरह की, और ये आप देख सकते हैं इस तरह के जो है क्लिप लगे हुए हैं, इस तरीके से जो है ये खुल जाते हैं, ये देखें आप, और ऐसे करने पर इसे बंद कर दिया जाता है। और इसे यूज़ में भी इन दोनों का यूज़ सेम एक जैसा है, मैं आपको बताऊँगी। वो जो है मेरे पास कैचर वाली है जो मैंने पहले बताई, और ये कुछ इस तरह की है। नेक्स्ट जो है मेरे पास है वो स्ट्रेट बालों के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये भी सेम वही तरीका है इसे खोलने का, ये आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्लिप लगे हुए हैं, जिसे हम इस तरह से करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, और इस तरह से जो है हम इसे बालों में लगा सकते हैं। और इसे लगाने का कुछ तरीका भी ऊपर ही लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से जो है हाफ बालों को ऊपर करके फिर इसे लगा के विक को, और उसके बाद जो है बालों को नीचे छोड़ देना है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सेम यही तरीका आपको करना है, एक दो दफ़ा आप करेंगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रेट बालों के लिए, और ये जो है ब्लैक बालों के लिए है, और नेक्स्ट जो है ये वाली मेरे पास, ये जो है जिनके स्टिकिंग किए हुए बाल होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है, और ये भी सेम जो है छोटे छोटे क्लिप लगे हुए हैं तीन हिस्सों में, और इसे जो है आप हाफ सर पे लगा के ऊपर अपने बाल छोड़ सकते हैं, सेम वही तरीका है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, और ये वाली जो पड़ी हुई है मेरे पास कर्ली और स्टिकिंग बालों के लिए, ये आप देख सकते हैं इस पे जो है एक कैचर लगा हुआ है, इसे यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि इसका तरीका यूज़ करने का बता दिया जाए तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो मेरे पास ये वाली आ जाती है, ये जो है कैचर वाली है जो छोटे छोटे से क्लिप लगे होते हैं, और ये इजीली जो है वो लग जाती है, लेकिन इसे लगाने का तरीका थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ होता है, और
काफ़ी जो है देख के इसे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस पे नीटनेस जो है इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन इसे यूज़ करने का तरीका अगर बेस्ट हो तो काफ़ी अच्छा वर्क है ये भी। इन दोनों को यूज़ करने का तरीका सेम है, लेकिन इस पे जो है थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रामे फिल्मों में भी इस तरह की जो है एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। और विग भी जो है ये हाफ सर के लिए है, सोवर्स आप देख सकते हैं, और वो जो दूसरी वाली है वो भी। और इसे जो है आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे से जो वो हैं क्लिप लगे हुए हैं। और जो ये हैं मेरे पास दोनों, इन दोनों को यूज़ करने का तरीका एक है। मैं एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी कि आप किस तरीके से इस तरह की जो है विग्स यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है ये वाली स्ट्रेट हेयर के लिए जो आप यूज़ करते हैं, इनमें से भी मैं एक जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकती हैं। और इनका जो है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ये जो है आप इन्हें कर्ली भी कर सकती हैं, और इसके अलावा जो है स्ट्रेट भी यूज़ कर सकती हैं। इनके दो फ़ायदे ये हैं, इसे आप कर्ली भी यूज़ कर सकती हैं और स्ट्रेट भी कर सकती हैं। इन सब की प्राइस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो बस मैं आपको एक दिखा देती हूँ अंदर से निकाल के कि किस तरह की है। इसे निकालने का कुछ तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये एक बटन लगा हुआ है, इस तरीके से जो है खोलना है, और सिंपली इसी तरीके से आप इसे अंदर से निकाल सकती हैं, और फिर भी जो है इसे इसकी इसी तरह से जो है पैक कर सकती हैं। ये आप देख सकती हैं काफ़ी जो है लंबी है और काफ़ी प्यारे जो हैं बाल हैं। इन्हें आप कर्ल भी काट सकती हैं। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है कुछ इसकी लुक, ये देखें आप, ये है इसकी कुछ लुक। और ये स्टिकिंग हुए बालों पर काफ़ी अच्छा वर्क देती है, और सेम वही तरीका है इसे खोलने का। इस तरीके से यहाँ से आप खोल के जो है यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द जो है मैं इसे लगाने का तरीका भी बताऊँगी। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, जिन लड़कियों का होता है कि वो चाहती हैं कि स्टिकिंग हुए बाल जो हैं हमारे लंबे हो, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा होता है कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे हों और अच्छे, जैसा कि ऊपर पिक्चर पर नज़र आ रहा है, इस तरह के कर्ल भी डाल सकती हैं इसी तरह की जो है विग लेके, और काफ़ी अच्छा यूज़ है। और आज की वीडियो में मैंने यही कुछ दिखाना था आपको और बताना था। अगर आप चाहती हैं कि इनका यूज़ भी बता दिया जाए तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी जो है मैं इनका यूज़ इसे तरीका बताऊंगी किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।